देखो ब्राह्मणों को बड़ा अपना नशा रहते हैं, वो समझते कि नहीं हम बड़े, परंतु वो कहाँ से पकड़ा है इधर से, अभी अपना बाप ने आकर करके हम, ये तो अभी परमात्मा ने जो अपनी डायरेक्ट पहली पहली संतान जो रची है वो हम है ब्राह्मण, तो पहली पहली संतान को नशा होना चाहिए ना, तो हम डायरेक्ट परमात्मा की पैदाश है एकदम, तो इतनी परमात्मा की पैदाश, तो इतनी पवित्रता, इतना अपना रॉयलिटी, इतनी सब बातों की मर्यादा, किसकी मर्यादा, पवित्रता की मर्यादा, इसी सभी बातों को बहुत अच्छी तरह से अपनाना है, इसीलिए इसी कुल का बहुत नाम है ना, तो अपना कुल बहुत ऊंचा है, इसीलिए ऐसे ऊंचे कुल वाले बच्चों को अपने कुल का, अपने खानदानी का, अपने बाप का पूरा ध्यान रखने का है, और अपनी एक्टिविटी, अपनी धारणाओं के ऊपर भी अच्छी तरह से अटेंशन देकर करके अभी बाप से ऐसा जो कुछ पाने का है वो पाना है, तभी तो पूरा ले सकेंगे ना। तो ये है अंदर में अपने रखने की बातें हैं, कोई ऐसे भी नहीं है नशा है तो कोई बाहर से हम कुछ अपना नहीं, ये अंदर की बातें हैं, अंदर में खुशी रहेगी कि अब अभी देखो किसकी संतान और कौन बनते हैं, तो अभी हमारी चढ़ती कला है, उतरती कला अभी पूरी हुई, अभी हमारी चढ़ती कला है, उसी समय ही बाप आकर करके हमको देखो ये सभी नॉलेज देते हैं तीनों कालों की, इसीलिए त्रिकालदर्शी हम भी अभी मास्टर त्रिकालदर्शी हैं, बाप त्रिकालदर्शी हैं, तो हम भी तो कम नहीं है, हम भी उनके बच्चे अभी मास्टर त्रिकालदर्शी, यानी तीनों कालों को जानने वाले हम भी बनते हैं ना, बाप बैठकर करके हमको तीनों कालों की, तीन काल का, तीन काल क्यों कहा है, चार काल नहीं, पांच काल नहीं, काल का मतलब है समय, तो हमको तीन काल का बैठकर करके नॉलेज दिया, क्योंकि तीन समय का चेंजेस है, कैसे हैं कि हम आदि आत्माएं शुरू शुरू से निराकारी दुनिया से आती हैं, तो पहला समय वो है जहाँ से हम आत्माएं आती हैं भाई निराकारी दुनिया से, फिर आती हैं इधर कॉर्पोरियल, इसमें फिर हम बहुत में बहुत 84 जन्मों का चक्कर चलते हैं, तो 84 जन्म पूरे करते हैं, फिर हम वापस जाते हैं, तो मध्य काल हो गया हमारा ये जन्मों का, आदि काल हो गया निराकारी दुनिया से आने का, हम निराकार हैं, तो आदि हमारी शुरू आत्मा की आदि है, हमारी निराकारी की, हम आदि निराकारी हैं, पीछे मध्य में जन्मों में आते हैं, ये पुनर्जन्म का हमारा चक्कर है, फिर वो पूरा होकर के फिर हमको अंत जहाँ से आए हैं फिर वहाँ जाना है, तो आद मध्य अंत, शासन प्रशासन अनुशासन ऐसा देखा ना सुना हो किसी ने वैसा, तेरी मीठी मीठी बोली जैसे कोई बाटे टोली, तेरी मीठी मीठी बोली जैसे कोई बाटे टोली, दुनिया सारी दिल में समाई तूने, नैनों के पलने में जो पालना दी मम्मा, नैनों के पलने में जो पालना दी मम्मा, और दृष्टि से नोरिया सुनाई तू।